हाय गाइस, वेलकम टू गैनी कैफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको रूबिक्स क्यूब का 3x3 कैसे सॉल्व करते हैं इन हिंदी, मैं आज इस वीडियो में यही बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम है कैफ और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब का चैनल गैनी कैफ। दोस्तों, ये वीडियो आपने अगर पूरी अंत तक देख ली तो आप यूट्यूब पर दोबारा सर्च नहीं करोगे हाउ टू सॉल्व रूबिक्स क्यूब 3x3 इन हिंदी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स को, अगर आपको कुछ भी सिचुएशन इसमें कुछ भी आपको ऐसे भी, अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे तो आप रूबिक्स क्यूब 3 या 5 मिनट में आराम से सॉल्व कर सकते हो, और ये मेरी गारंटी है। अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए तो मैं इस वीडियो को डिसलाइक मार के दूसरी वीडियो देखने चले जाना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे मैं लेके चलता हूँ। और ये जो देख रहे हो, ये कंप्यूटर में क्या हो रहा है, जो आप आगे होने वाला है उसकी वो एडिटिंग हो रहा है। अब ये एडिटिंग करो तो उसको, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उसकी एडिटिंग में कर लेते हैं। दोस्तों, इस क्यूब में फॉर्मूलाज होते हैं, मूव्स होते हैं, उनके नाम होते हैं। तो पहले में दोस्तों आप वो जान लेते हैं, आप दोस्तों वो जान लीजिए जिससे आप पूरा क्यूब बनाना, जो मैं जब बोलूँगा आर डैश जी डैश या कुछ भी बोलूँगा तो आप ये ना कहे कि ये क्या कह रहा है। तो उसके पहले फार्मूलाज को जान लेते हैं। दोस्तों, ये जो क्यूब है आपको ऐसे जो सामने वाला कलर है ऐसे पकड़ना है दोनों, इसको ऐसे, कुछ लोग ऐसे पकड़ते हैं वो फिर क्यूब भी ख़राब हो जाता है। तो ये जो क्यूब है इसको, इसके पहले फार्मूला बताते हो दोस्तों, मूव्स बता देता हूँ। तो दोस्तों, इसका नाम है, आपको अपनी स्क्रीन पर भी दिखेगा दोस्तों, इसका नाम है आर। जब इस लेयर को, जब आप इस वाली लेयर को, राइट वाली लेयर को अपने जो हाथ पर लाइट, ये जो राइट वाला, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। दोस्तों, जब आप अपनी ये जो लेयर है राइट वाली, अगर आपको इसको क्लॉक वाइज घुमाओगे तो इसे कहते हैं आर, और इसे एंटी क्लॉक वाइज घुमाओगे तो इसे कहते हैं आर डैश या आर प्राइम। और ऐसी ऊपर वाली लेयर इस, और ऐसी उसके साइड वाली लेफ्ट, लेकिन लेफ़्ट को आप इधर घुमाओगे तो क्लॉकवाइज, लेफ्ट को अगर क्लॉकवाइज घुमाओगे तो वो आर नहीं होगा, वो अगर आपको जो लेफ़्ट वाली लेयर है अगर उसको आपको, अगर आपको ऐसे घुमाओगे तो वो एल नहीं होगा, वो एल डैश होगा। इस बार एल जो होता है वो इस बार नीचे जाएगा, एल और एल प्राइम। अगर ये लेयर इसको एल प्राइम, एल एल डैश एल प्राइम, तो इसे कहते हैं एल और इसे कहते हैं एल प्राइम। और अब मैं, और अब ये जो ऊपर वाली लेयर है इसे कहते हैं अपर यानी यू। अगर इसको आप क्लॉकवाइज घुमाओगे ऐसे तो इसे कहते हैं यू, और इसे इस साइड घुमाओगे राइट की तरफ तो इसे कहते हैं, इसे कहते हैं यू डैश या यू प्राइम। और वैसे ये डी वाल, इसे कहते हैं डी यानी डाउन। अगर आप इसको, ये ऊपर वाली इस तरफ घूमी थी तो नीचे का डी इधर घूमेगा, डी डी डैश या फिर डी प्राइम, डी प्राइम डी डैश, दो बार ऐसे डी डैश और डी प्राइम दोनों ही कह सकते हैं, डी डैश। और इस साइड घुमाओगे तो सिर्फ डी, उसे कहते हैं डी डैश। और वैसे ही, और ये जो अगर पूरे सामने वाली ऐसे पूरी लेयर घुमाओगे तो इसे कहते हैं क्लॉकवाइज, ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे इस साइड तो इसे कहते हैं एफ, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो इसे कहते हैं एफ डैश या प्राइम। और उसी तरह इस वाली लेयर को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो कहते हैं बी, और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बी डैश या बी प्राइम। तो आपने जान लिए हैं सारे मूव्स, तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों, आपको ये जो इन सब के बारे में तो आपको पता ही होगा, ये सेंटर्स होते हैं जो आप जितना भी घुमा लो क्यूब को अपनी जगह से हटते नहीं हैं। और ये होते हैं साइड कॉर्नर्स, एच पीस कॉर्नर्स सेंटर। तो ये देखिए, ये सेंटर सब कलर में अपने होते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको क्या पाना होता है, इसको अभी साइड में रख देते हैं। दोस्तों, आपको ये प्लस पाना होता है। दोस्तों, ये प्लस देखिए, जो आपके साइड से, ये जो सेंटर से भी मैच करते हो, आपका जो ऊपर वाला साइड साइड के एज पीसेज हैं वो सेंटर से भी मैच करते हो। जैसे ऑरेंज से ऑरेंज मैच हो रहा है, ब्लू से ब्लू मैच हो रहा है, और रेड से रेड मैच हो रहा है। और पर आपको ऐसी एक प्लस मिल जाएगा जिसे क्रॉस भी बोलते हैं। तो इसको साइड में रख लेते हैं।
और अगर आप इस पे कैसे पाना होगा, तो सबसे पहले इसको स्क्रम्बल कर लेता हूँ, वाइट चूज़ करता हूँ। तो जैसे ही आप वाइट चूज़ करोगे या कोई भी कलर चूज़ करोगे, उसे टॉप पे ऐसे रख लेना है, और उसको जो ऊपर है उसकी जो नीचे अपोजिट नीचे वाली लेयर है उसमें आपको एच पीसेस में दो कलर वाले जो यहाँ लगेंगे, ये यहाँ 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 लगेंगे, उसे ढूंढना है। वो भी इस इन जगह पे मुझे दो ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो जैसे ये है, इसको ऊपर कैसे लाएं, आप सीधा ऊपर लेकर आ सकते हो, लेकिन फिर ये कलर मैच नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, ये वाइट है और ये ग्रीन है, तो इससे पहले ग्रीन से ग्रीन मैच करेंगे। तो ये ग्रीन से ग्रीन मैच हो गया, फिर उसे ऊपर ले आएंगे, तो ये मैच हो गया और ये मैच हो गया। वैसे ही एक और ढूंढेंगे, यह मैं एक मिल चुका है, तो इसको पहले ये यहाँ था, इसको पहले रेड से मैच किया ऐसे, फिर ऊपर ले आए। ऊपर ले जाने के बाद आपको फिर अब यहाँ, अब मेरे को यहाँ एक भी नहीं मिल रहा है, तो अब उसके लिए देखिए अलग वो होती है। तो अगर ये मेरे को यहाँ मिल गया है, तो आप उसे नीचे ऐसे कर सकते हो या ऐसे कर सकते हो। मैं ऐसे इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को आपको एक और चीज़ समझानी है, अगर आप ऐसे मिले तो आपको सीधा ऐसे नीचे के ब्लू से ब्लू मैच करके ऊपर ले जाना है, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक और चीज़ समझानी है आपको, ताकि आपको बाद में कोई परेशानी ना आए। तो आपको ये जो है इसको ऐसे लेकर आना है, और जैसे अब ये भी नीचे आ गया तो इसको आपको साइड में ले जाना है और उसको ऊपर ले जाना है। दोस्तों मैं इसे नीचे भी ला सकता था, लेकिन नहीं लेकर आया क्योंकि मेरे को आपको समझाना है, अगर जो वाइट है वो यहाँ ना होके यहाँ हो जाए तो क्या करना है, उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये जैसे नीचे वाला कलर ब्लू है, तो तब भी आपको ब्लू से ब्लू मैच करना है। तो ये ब्लू से ब्लू मैच हो गया, तो आपको क्या करना है, इस वाली लेयर को साइड में ले जाइए, इधर भी या इधर भी, तो या इधर या उधर, तो मैं इसे इधर लेके जाता हूँ, और फिर ये एल को आपको जैसे आप इसे लेफ़्ट लेके जाओगे, मतलब डी प्राइम करोगे, तो आपको इसे एल प्राइम कर देना है। एल प्राइम करते देखिए ये मैच हो गया, और उसके बाद आपको इसे ऊपर ले जाना है। तो देखिए आप, मेरा एक ये ख़राब हो गया, तो इसे दोबारा वापस ले आना है। तो देखा आपने, ये हमें प्लस मिल चुका है। अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम आए तो बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको जवाब ज़रूर दूंगा। तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, दोस्तों अब आपको यहाँ के कॉर्नर्स मैच करने हैं, कॉर्नर्स यानी कि ऊपर के तीन कलर वाले। अभी हमने दो कलर वाला मैच किया, और ये तो सेंटर में तो रहता ही है। अब हमें जैसे कि ये है, लेकिन एक गलत जगह पे, देखो यहाँ पे ब्लू है और यहाँ पे रेड है, लेकिन इसमें क्या है, ऑरेंज और ग्रीन। तो इससे हम सबसे पहले यहाँ से नीचे ले जाएंगे, ये जब अब ये भी हो गया तो अब इसको साइड में कर लेते हैं, उसको दोबारा ऊपर ले जाते हैं। तो हमें देखिए यहाँ एक मिल चुका है। तो दोस्तों अगर हमें यहाँ पे वो मैच करने के लिए, हमने पिछली बार यहाँ नीचे ढूंढा था, इस बार आपको इस वाली लेयर में ढूंढना है। दोस्तों मेरे को एक भी नहीं मिल रहा, अब मेरे को एक मिल चुका है जो कि मैं खुद नीचे लेकर आया था। तो आपको सबसे पहले से क्या करना है, देखिए जैसे ये ग्रीन और ऑरेंज है, तो ये यहाँ क्या है, रेड और ग्रीन, ये गलत जगह पर है। तो आपको ग्रीन और ऑरेंज के बीच में इसको लेकर आना है, इन दोनों कलर के बीच में, ये गलत जगह पर है, तो इसको इधर लेकर आता हूँ। तो देखिए ये ग्रीन और ऑरेंज, ये दोनों कलर के मैच में यहाँ हो रहा है। तो इसको ऊपर कैसे लेके जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है, अगर ये आपके राइट में हो, ये देखिए ये मेरे राइट में है, तो आपको इसे लेफ्ट लेके जाना, मतलब डी प्राइम करना है, और आपको सबसे पहले इसे साइड में लेके जाना है, ऊपर वाले लेयर को नीचे लेके जाना है, और फिर इसको ऐसे कर लीजिए और फिर ऊपर ले जाइए। देखिए ये दो कलर साथ में ऊपर वाली लेयर का, ये भी मैच हो चुका है। अब दोबारा ढूंढते हैं नीचे वाले में, मुझे एक भी नहीं मिला।
दोस्तों यहाँ पे मेरे को आपको एक और एग्जांपल मिली है, जैसे मैं आपको समझा सकता हूँ। अगर आपको ऊपर एक भी ना मिले तो यहाँ पे आपको एक नीचे मिल चुका है, लेकिन मैं अभी इस पे ध्यान नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पे ऊपर ये तो मैच है, ये भी मैच हो रखा है। मेरे को यहाँ एक यहाँ मिल रहा है और एक यहाँ मिल रहा है, तो सबसे पहले इसे नीचे लेकर आएंगे। दोस्तों ऐसे नीचे ना लेकर आएँ, ऐसे नीचे लेकर आओगे तो ये देखिए नीचे आ गया। आपको इस साइड से नीचे लेकर आना है, इस साइड से नीचे लेकर आना है, फिर आपको इसे साइड में करके इसे दोबारा ऊपर ले जाइए ताकि ये ख़राब ना हो। तो ये देखिए अब मेरे को ये काला कलर मिल गया है, तो इसे हम रेड और ग्रीन इन दोनों जगह पे रखेंगे। यहाँ पे क्या है, ऑरेंज और ग्रीन, मतलब ये गलत जगह पर, इसको साइड में करके यहाँ रखिए। तो अब ये सही जगह पर आ चुका है, तो अब इसे ऊपर कैसे लाएँ। पिछली बार ये कलर इस साइड था, हम इधर लेके गए थे, इस बार ये कलर इस साइड है यानी लेफ्ट में है, तो इसे डी करेंगे यानी राइट में ले जाएंगे, ऊपर वाली कलर को नीचे लेकर आएंगे, फिर उसके बाद इसमें मैच करेंगे, फिर उसको दोबारा ऊपर ले जाएंगे। तो देखिए ये भी कलर मैच चुका है, अब यहाँ लास्ट एक रहता है और देखिए ये अपने आप ही ऊपर आ चुका है। अगर आपके आपके केस में ये नीचे ही रहे, जैसे ये नीचे ही रहे, तो उसके बाद आपको क्या करना, आपको क्या करना है, आपको ऐसे ले आना है, ऐसे लेकर आओगे तो आपका कुछ ख़राब होएगा, तो उसे अपने दिमाग लगाकर उसको साइड में करके उसे दोबारा बना सकते हो। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। तो देखिए ये वाला कलर इस बार इधर है, तो उसको साइड में नहीं, इसको ऊपर ले जाए, उसको ऊपर ले जाए। दोस्तों अब हमारी पहली लेयर जो कि पहली लेयर हो चुकी है, ये पार हो चुकी है। अब बात आती है सेकंड लेयर की। तो सेकंड लेयर दोस्तों देखिए हमने कौन सा कलर चूज़ किया है, वाइट, और वाइट के नीचे कौन सा कलर है, येल्लो। तो अब आपको यहाँ एच पीसेस में दो कलर ढूंढने हैं जिनमें येल्लो ना हो, जैसे कि इस वाली लेयर में येल्लो है, इस वाली लेयर में भी येल्लो है, इसमें भी येल्लो है, लेकिन इस वाली लेयर में येल्लो नहीं है, रेड और ग्रीन है। तो सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ कलर होगा उसे उस कलर से मैच करिए। यहाँ मेरा पहले से ही है, अगर आपका इधर हो तो आप इधर से इसे मैच कर लीजिएगा। और रेड कलर किधर है, रेड कलर या तो इधर होगा लेफ्ट में या फिर राइट में, तो मेरा कलर राइट में है, तो इसे आपको उस कलर की तरफ नहीं घुमाना है, आपको इस साइड घुमाना है। ये जो रेड कलर है ये राइट में, तो इसे लेफ्ट लेके जाएंगे, ऊपर वाले कलर को नीचे करेंगे, उसको दोबारा अपनी जगह पोजीशन पर लेंगे और उसको ऊपर ले जाएंगे। तो अब देखिए ये हमारा ये ख़राब हो गया है, लेकिन हमें यहाँ पे मिल चुका है वही, अब इसे हम दोबारा ऊपर ले जाएंगे, वही आपको मिल चुका है, आप वही कर सकते हो ऐसे ऐसे और ये ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मैच हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर मेरे को इसमें भी ग्रीन, इसमें भी येल्लो है, इसमें भी येल्लो, इसमें भी येल्लो है, और इसमें येल्लो नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले ब्लू से मैच करेंगे, ब्लू से मैच हो रखा है। अब ऑरेंज कलर या तो इधर होगा या तो इधर होगा, मेरा इधर है, तो उसको इस साइड लेके जाएंगे, उसके अपोजिट साइड में, फिर पाई कलर को ऊपर वाले लेयर को नीचे लेके जाएंगे, फिर साइड में करेंगे से और से ऊपर दोबारा ऊपर ले जाएंगे। तो आप ये जो कलर है दोबारा हमें आ गया, दोबारा वही लगाते हैं। तो देखिए ये ऊपर जा चुका है, अब हमारा ये दो रहता है, एक ये और एक ये। दोबारा हमें नीचे वाली लेयर में ढूंढना है, देखिए अब मुझे यहाँ एक मिल चुका है, इसे ऑरेंज से मैच करेंगे, ग्रीन इधर है, अगर राइट साइड में तो इधर घुमाएंगे। दोस्तों अगर आपको ग्रीन इस साइड में आता है तो आप इसे इधर कर लीजिएगा, तो अभी मेरा इधर ही आया है, तो उसको नीचे करके ऊपर ले जाइए, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, इसको साइड में करके। दोस्तों ये आपकी अभी बाकी है, हाँ दोस्तों इसमें येल्लो नहीं है, इसमें येल्लो नहीं है, इसमें येल्लो है, इसमें भी येल्लो है, उसमें भी येल्लो है, इसमें येल्लो नहीं है, इसको पहले रेड से मैच करेंगे। ब्लू कलर इधर है तो इधर लेके जाएंगे, उसको नीचे ऊपर वाले लेयर को नीचे, फिर इसको दोबारा अपनी जगह मैच करेंगे, उसको ऐसे लेके जाएंगे, फिर से इस वाले लेयर को देखिए यहाँ पर एक पेयर बन चुका है, पेयर, तो इसको इंसर्ट करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसको साइड में करेंगे जी, देखिए इससे हमारा कलर मैच हो चुका है। तो देखिए मेरे को यहाँ प्लस मिल चुका है आपके आपके उसमें। अब देखो ये हमारी दो लेयर सॉल्व हो चुकी है,
देखिए हमारी पूरी दो लेयर सॉल्व हो चुकी है, अब बात करते हैं थर्ड लेयर में। दोस्तों अभी तक मैंने जो भी सिखाया है दो लेयर को, आप अपना क्यूब स्क्रैम्बल करके ये दो लेयर्स प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को दोबारा कंटिन्यू करना, क्योंकि अभी जो मैंने सिखाया इसके बाद थर्ड लेयर जो है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं आपको सिखा दूँगा। लौट चुके हैं क्या आप, दोबारा वीडियो में आ चुके हैं, तो अब बात करते हैं थर्ड लेयर की। दोस्तों पिछली बार मेरे यहाँ पे पूरा बन चुका था प्लस, लेकिन हमें आपको आपकी आपकी में अलग अलग हो सकता है। अब इसमें आपको चार केसेस मिलेंगे यहाँ पर, या तो आपको एक मिले, यहाँ पे सिर्फ आपको एक मिले, या फिर आपको एक उल्टा एल शेप मिले कुछ इस तरह, और या फिर आपको एक लाइन मिले, और उसके बाद आपको प्लस मिल जाएगा। तो यही चार केसेस हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक वो मिलेगा, ये सिर्फ डॉट येलो कलर का, यहाँ कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको एक फार्मूला है, वो बताऊँगा, वो लगाओगे तो आपको यहाँ पर उल्टा एल मिल जाएगा, और उसके बाद आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। दोस्तों मेरा यहाँ दूसरा केस है, तो अब इसको मेरे तीसरे पे कैसे जाना है, देखिए ये बहुत आसान है, बस आपको एक फार्मूला लगाना है, उसे लगाओगे तो आपको एक पहले केस पे होगे तो दूसरे पे आ जाओगे, अगर दूसरे पे होगे तो तीसरे पे आ जाओगे, अगर तीसरे पे होगे तो चौथे पे आ जाओगे, चौथा हमें पाना है जो कि प्लस होगा। तो देखिए यहाँ पर ये उल्टा एल मिल गया है, तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा या कुछ ऐसे, तो देखिए मुझे उल्टा एल पकड़ना है, तो आपको फार्मूला एल्गोरिथम यहाँ से नहीं पकड़ के लगाना है आपको इसको, या फिर यहाँ से, ये भी गलत पोजीशन है, या ये भी गलत पोजीशन है, आपको इसे एक 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 ये येलो कलर आपके सामने होना चाहिए और एक राइट में होना चाहिए। तो आपको फार्मूला लगाता हूँ दोस्तों, आपकी जो फार्मूला मैं लगाने जा रहा हूँ वो आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पे या कहे आपको आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, कंप्यूटर में देख रहे हैं तो कंप्यूटर में, या मोबाइल में देख रहे हो तो मोबाइल में। दोस्तों आपको यहाँ फार्मूला लगाना है, देखिए अब मैं फार्मूला लगाने जा रहा हूँ, एक सामने एक स्लाइड में, एफ आर यू आर डैश यू डैश फिर एफ। देखिए अब मेरे को यहाँ स्ट्रेट लाइन मिल गई, अब मैं थर्ड केस में आ चुका हूँ, सेकेंड से थर्ड केस में, तो आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। आपको इसको ऐसे नहीं रखना, इसको साइड, या फिर ऐसे रखिए या फिर ऐसे रखिए, आपको ऐसे ना फिर ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है। उसके बाद आपको दोबारा फॉर्म लगाना है, एफ आर यू आर डैश यू डैश एंड देन एफ डैश। तो देखिए अब यहाँ हमें प्लस मिल चुका है, यहाँ मुझे यहाँ कॉर्नर्स मैच मिल रहे हैं। अगर आपको अब यहाँ पे भी आपको तीन केसेस जनरेट होंगे, या फिर आपका यहाँ पर ये मैच हो रहा होगा, या सामने वाला ये मैच हो रहा होगा, ये मैच होगा मैच हो रहा होगा, या फिर ये मैच हो रहा होगा, या फिर ये दोनों मैच हो रहे होंगे, और बस ये दो केसेस हैं, और तीसरा जो आपका ये सारा मैच हो रहा है, मुझे यहाँ तीसरा केस मिला है जहाँ कि मेरा सारा मैच हो रहा है। तो मैं आपको अभी दूसरा समझाता हूँ। दोस्तों मुझे यहाँ पर अब मुझे सेकंड केस मिला है, अगर आपको फर्स्ट केस मिले, देखो मेरा अब यहाँ मैच नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं से देखिए ये एक मैच हो रहा है और कोई मैच नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसे ऑरेंज से ऑरेंज मैच करूँगा या किसी और कलर से मैच करूँगा, तो देखिए यहाँ पे दो मैच हो रहे हैं और इन दोनों की जगह लेकिन गलत जगह पे है। तो आपको क्या करना है, आपको एक और फॉर्मूला लगाना है जाके ये दोनों मैच होंगे। अगर आपको फर्स्ट केस मिले जो आपका ये वाला मैच हो रहा हो या सामने वाला मैच हो रहा हो, तो आपको ऐसे उसे सामने रख के वो फार्मूला लगा देना है जो मैं बताऊँगा सामने रख के। लेकिन अब यहाँ मेरे को सेकंड केस मिला है, तो आपको एक गलत सामने और एक गलत राइट में रखना है, तो आपको वाला फॉर्मूला लगाना है, एफ आर यू टू आर डैश यू डैश आर फिर यू डैश, उसके बाद आपको ऐसे कर देना है आर डैश। तो देखिए अभी लग रहा होगा यहाँ पे मैच नहीं हुआ है, लेकिन आपको जब ऐसे करोगे एक लेयर यू डैश,
तो यहाँ पे आपका सारा मैच हो गया है। अब हमारा सारा काम हो चुका है, अब हमें यहाँ कॉर्नर्स को सही जगह पे लाना है, फिर उन्हें मैच करना है। दोस्तों अगर देखिए ये यहाँ पे कौन सा कलर है, और रेड ग्रीन येलो, रेड ग्रीन येलो, लेकिन यहाँ पे कौन सा है, रेड ब्लू, या ये यानी गलत गलत जगह पे है, और ये भी देखिए गलत जगह पे है, ये भी गलत जगह पे है, और देखिए ये येलो ग्रीन ऑरेंज ये वाला सही जगह पे है। यहाँ पे आपको एक बहुत कैसे दो तीन कैसे जनरेट होंगे मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ या तो आपके एक मैच हो रहा होगा, या तो आपके पूरा मैच हो रहा होगा, या फिर आपके बस यही दो केसेस है, या तो आपका पूरा मैच हो रहा होगा या तो आपका एक मैच हो रहा होगा। तो मेरा यहाँ एक मैच हो रहा है, ये सही जगह पे है, लेकिन इसको हमें ये ऊपर आएगा, लेकिन हमें वो बाद में करेंगे, सबसे पहले हमें सारे को सही जगह पे लाना है। देखिए गलत जगह पे, जो हमारा सही वाला होगा उसे हम राइट राइट में रखेंगे, और उसके बाद आपको ऐसे पकड़ना है, फिर आपको फॉर्मूला लगाना है एल डैश यू आर यू डैश एल यू आर डैश यू डैश और बस। तो देखिए ये वाला मैच था, अब देखिए इसमें से या एक और मैच हो गया होगा, तो देखिए ये वाला मैच हो गया है, ग्रीन और ये ब्लू और ये रेड, और देखिए ये वाला मैच, दोस्तों ये वाला मैच भी हो चुका है, और ये वाला तो अपने सही जगह पे भी आ चुका है। दोस्तों अब ये आपको क्या करना है, यहाँ आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, आपको पहले उस वाले को साइड में रखना है, कोने में राइट में, फिर आपको एक फॉर्मूला लगाना है जो कि मैं बता रहा हूँ, आर डैश डी डैश आर डी। अगर ये जो आपका ऊपर वाला कलर है वो आपके सामने सामने यानी आपके ऊपर हो तो उसे चार बार लगाना है, और ये वाला कलर अगर इस जगह पे हो तो दो बार लगाना है, अगर ऊपर है तो आपको वो तो मैच है। तो सबसे पहले यहाँ मेरा सामने है तो चार बार मैं लगाता हूँ, आर डैश डी डैश आर एंड देन डी, फिर उसके बाद लगा दोबारा लगाना है आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी। तो देखिए ये वाला सॉल्व हो गया, अभी आपको अपने क्यूब को छोड़ना नहीं है, देखिए ये नीचे से ख़राब हो गया, आपको ऐसे ही पकड़ना है, ये देखिए मैं पकड़ रखा है मैंने, उसके बाद आपको यह इसको साइड में लेके आना है। देखिए अब ये वाला मैच करना है, अगर ये वाला मैच है तो इसे स्किप कर देना, लेकिन ये वाला मैच नहीं है तो इसमें भी वही वाला फॉर्म लगाएंगे, आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर एंड देन डी। और देखिए इस बार ये ऊपर चला गया, अब लास्ट रहता है इसको इसको साइड में ले जाएंगे, अब ये वाला आ गया, और ये भी सामने इसको चार बार लगेंगे, आर डैश डी डैश आर एंड देन डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी आर डैश डी डैश आर डी। देखिए अब यहाँ पूरा मैच हो गया, बस हमें एक बार ये करना है। तो देखिए अब हमारा पूरा क्यूब सॉल्व हो चुका है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट करके आप बता सकते हो मुझे, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर थर्ड लेयर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट मुझे करना, मैं इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसके लिए मेरे को इस वीडियो पे 15 लाइक्स चाहिए, तो जैसे 15 लाइक्स आएंगे मैं वो थर्ड लेयर वाली एक अलग से अच्छे से वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।